किसान भाइयों, आज हमारा रूट है दोराला मवाना से सठला होते हुए सिकैड़ा। रविंदर प्रधान जी के यहाँ आज हमें पहुँचना है। आज यहाँ का प्रोग्राम है। ये हम मवाना से किला रोड पर चल रहे हैं सठले की तरफ। देखिए कितना अच्छा माहौल है यहाँ का। बहुत सुंदर सड़क, कोई भी गड्ढा नहीं है। शामली वाली से तो लाख जगह बढ़िया है। कितने सुंदर बाग हैं यहाँ। सड़क में एक भी गड्ढा नहीं है और आप मेरठ से शामली करनाल की तरफ जाएं तो गाड़ी ख़त्म। साइड कटी हुई है, बीच में अचानक गड्ढा आता है 1 फुट गहरा। अगर स्पीड पर पहिया पड़ गया तो गाड़ी का अगला पहिया ख़त्म, अलाइनमेंट आउट हो जाएगा, जीवन भर सही नहीं होगा और टायर खाती रहेगी। पता नहीं कोई नेता है नहीं वह देखने वाला, कहीं ऐसा तो नहीं कोरोना की चपेट में ठेकेदारी आ गया हो जो देख नहीं रहा इधर। भाइयों हम सठला पहुंच गए हैं। ये सठला गांव है। इससे आगे फिर अब हम जाएंगे सिकैड़ा की तरफ। सठला में चल रहे हैं भाइयों हम। सठला गांव भाइयों हम सब सिकैड़े की तरफ जा रहे हैं। आगे नहर आएगी भाइयों, हम नहर से सिकैड़े की तरफ मुड़े हैं। जंगल देखिए, बोर्ड की जमीन है। यो दिखाओ कैसी यो तारबंदी करवा रखी है। ये किसान ने तारबंदी करवा रखी है और इधर जो है बाजरा खड़ा है, गन्ना नहीं है। गन्ना आप दिखाई दिया आगे, थोड़ा सा रेतली जमीन रेतली है। अब थोड़ा सा बदलाव आया है जमीन में, अब अच्छी शुरू हो गई है। हम थोड़ी देर में सिकैड़ा पहुंच जाएंगे भाइयों। कल हम शामली गए थे, आज सिकैड़े का प्रोग्राम है जो हमारे घर से 40-45 किलोमीटर पड़ता है। अब ये गांव पूछना है कौन सा होगा भाइयों। ये भिडवारा है। भिडवारा ये है जी, भिडवारा गांव। आज ही देखा पहले। परीक्षित ट्रॉली में सीमेंट लादा जा रहा है ट्रक में से उतार कर। अब भाइयों सिकैड़ा गांव आने वाला है। यहाँ की तो जमीन अच्छी है, देखिए गन्ना अच्छा खड़ा है। बाग बहुत बढ़िया है। रोको छो भाइयों, हम सिकैड़ा गांव में एंट्री कर गए हैं।